तो दोस्तों हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास टेंथ वालों के लिए हिंदी का कल जो एग्ज़ाम होने जा रहा है दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसके बाद जो है 2 से 3 वीडियो और आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चाहिए और वीडियो तो कमेंट फटाफट कीजिए दोस्तों, और भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं पूरे चैप्टर वाइज के साथ, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप लोग जाके क्लिक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा जो कविता है ना वो किसका चित्रण करती है, वो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो सही उत्तर एक का डी हो जाएगा आपका। दो नंबर देखते हैं दोस्तों, बोला जाए कि गरीब बस्तियों में क्या क्या हुआ, तो गरीब बस्तियों में जो हुआ था ना दोस्तों, ये धमाके से देवी जागरण, ये आप लोग के बुक सेक्शन से है। हम लोग इसमें ग्रामर मतलब व्याकरण सेक्शन से भी करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों, उसमें से लगभग लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आप लोग को 100% देखने को मिल जाएंगे। तीन नंबर है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, ये जो चैप्टर है ना वो किस भाषा से अनुवादित है दोस्तों, तो ये है आपका अंग्रेजी सॉरी जर्मन भाषा से संबंधित, ठीक है, अनुवादित। तो सही उत्तर यहाँ पे तीन का बी हो जाएगा। चार नंबर देखते हैं कि दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, मतलब दही वाली मंगमा जो चैप्टर है ना किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो ये लिखा गया है श्रीनिवास के द्वारा। तो चार का ए, देखिए आप लोग याद रख लीजिए चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम, आपको आसानी से 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे। ये तो हर एक विद्यार्थी को याद होना चाहिए दोस्तों कि किस टॉपिक के कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है, कौन से टॉपिक, तो ये आप लोग को याद तो रखना ही पड़ेगा जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है। पाँच नंबर है दोस्तों कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, तो ढहते विश्वास जो लिखा गया है ना ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र से लिखा हुआ है, तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का ए। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। देखिए दोस्तों क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, तो ये कहा गया है दोस्तों भारत माता को, तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, बोला जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म जो चैप्टर है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है, तो जनतंत्र का जन्म कविता के जो कवि है ना दोस्तों ये आपका रामधारी सिंह दिनकर है, तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम है, तो अज्ञेय का जानते होंगे दोस्तों सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 9 नंबर है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, ये चैप्टर है कुंवर नारायण के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। ये जो बूढ़ा कहा गया है ना बूढ़ा चौकीदार वो किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार के रूप में, नक्काशी आप लोगों के पाठ पुस्तक के अनुसार। 10 नंबर है दोस्तों कि मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, क्या है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का कितना इंच, तो इंच कुछ इंच बढ़ गए पेड़, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का बी। 11 देखते हैं कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, क्या है दोस्तों अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये है आपका दोस्तों प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से, तो याद रखिएगा 11 का ए। चलिए 12 देखते हैं कि लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है, लौटकर आऊँगा फिर में जो आने की बात करती है दोस्तों ये कहाँ आने की बात कर रही है, यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, तो ये आपका मातृभूमि बंगाल, ठीक है, तो याद रखिएगा 12 का डी। 13 देखते हैं दोस्तों कि रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है, रेनर मारिया रिल के जो है ना लेखक वो किसके द्वारा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो चैप्टर है ना वो रेनर मारिया रिल के द्वारा लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा 13 का ए। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि लेखक का नाम याद कर लोगे ना तो आपको 7 से 8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा जो बेचती थी दोस्तों ये दही बेचती थी मंगमा, तो याद रखिएगा मंगवा दही बेचती थी। 15 नंबर है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखा गया है,
रहते विश्वास जो चैप्टर है ना दोस्तों, उसमें बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित जो दिखाया गया है उस राज्य का नाम है बिहार। तो यहाँ पे 15 का ए। 16 देखते हैं कि मंगू किस कहानी की पात्र है। तो मंगू जो है ना दोस्तों, ये आपका दही वाली मंगवा। देखिए मंगवा क्या बेचती थी, तो दही वाली मंगवा। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि मंगवा जो है दही बेचा करती थी, इसलिए चैप्टर का नाम भी है दही वाली मंगवा। और मंगू जो किस कहानी का पात्र है, मतलब किस कहानी में इसका उल्लेख किया गया है, तो वो चैप्टर है दोस्तों दही वाली मंगवा। ठीक है। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है कि पंपाती जो है वो किस रोग से ग्रसित थी। पंपती, तो पंपाती क्या है दोस्तों, यहाँ पे पंपाती किस रोग से ग्रसित थी। तो ये जो रोग था ना, वो मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 का आपका डी हो जाएगा, मेनिनजाइटिस। 18 है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। तो सीता को अपने ही घर में जो है ना, वो महसूस होता है दोस्तों घुटन। तो याद रखिएगा 18 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर आता है दोस्तों कि व्यंजना क्या है। तो व्यंजना जो है ना दोस्तों, वो एक तरह से आपका शब्द व्यक्ति है। तो याद रखिएगा 19 का ये। 20 है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे दोस्तों, वो नृत्य कला से संबंधित है। तो 20 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, नृत्य कला, डांस करते थे ना। 21 है कि आविन्यो कहाँ स्थित है। तो आविन्यो जो है ना दोस्तों, ये आपका फ्रांस में स्थित है। तो यहाँ पे 21 का ए। 22 है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। चैप्टर में पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी दोस्तों, तो वो था 3 मछलियाँ। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का सी। तो यही देखते हैं कि बिस्मिल्ला खां प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्ला खां जो थे दोस्तों, वो शहनाई वादक थे। तो यहाँ पे 23 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, शहनाई बजाते थे। तो शहनाई वादक हो गए, प्रसिद्ध थे वो बिस्मिल्ला खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां। 24 है दोस्तों कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो जानते होंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया था दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा जी की उपाधि। ठीक है। फिर आता है 25 नंबर कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। परिवर्तन तो सिख धर्म का जो परिवर्तन किया था दोस्तों, उसका नाम था गुरु नानक। तो याद रखिएगा यहाँ पे 25 का ये। छब्बीस है कि इन मुसलमान हरिजन में पाए कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है दोस्तों, तो वो कहा गया है कबीरदास के लिए। तो याद रखिएगा 26 का ए। 27 है कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिय परसों में किस कवि का नाम आया है। तो घनानंद का आया है, तो याद रखिएगा 27 का बी आ जाएगा। ठीक है, घनानंद आया है ना, घनानंद लेखक है। 28 है कि दोस्तों कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लिख लखात। यहाँ पे क्या भरेगा दोस्तों, डैश कछु न अब भारत में दर्शात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 28 का ये लाइन में, इसको पूरा करना है आप लोगों से, आप लोगों के बुक से है ये। तो यहाँ पे भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा, तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का बी हो जाएगा। 29 देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं दोस्तों, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो यहाँ पे 29 का बी। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो विष के दांत जो चैप्टर है ना, उसमें किस वर्ग की बात हो रही है दोस्तों, जो अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो उस वर्ग का नाम है आपका मध्यम वर्ग। तो सही उत्तर यहाँ पे 30 का ए। 31 है दोस्तों कि मैक्स मूलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो है अपना देश भारत को मैक्स मूलर ने कहा है। तो 31 का सी। 32 देखते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें गद्य की कौन सी विद्या, मतलब क्या चीज़ है दोस्तों, जैसे कहानी है, कविता है,
भाषण है, निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा द्वारा लिखा गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे ना वो ललित निबंध लिखते थे, निबंध, ठीक है। तो यहाँ पे 31 का 32 का डी हो जाएगा, वो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक निबंध है, ललित निबंध, यहाँ पे 32 का बी। चलिए 33 देखते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है कि हिंदी भाषा का लिपि है, तो हिंदी कौन सी भाषा का लिपि है, तो ये देवनागरी भाषा का लिपि है, तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 तक दोस्तों। 34 नंबर है दोस्तों कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का जो पूरा नाम था दोस्तों वो छोटा बहादुर था, तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का बी। 35 है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो परंपरा का जो मूल्यांकन है दोस्तों ये राम विलास शर्मा की कृति है लिखा हुआ, तो यहाँ पे 35 का ए आपका हो जाएगा। 36 देखते हैं दोस्तों कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो समास है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास, तो 36 का सी प्रतिदिन कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। चलिए 37 देखते हैं कि पानी का पर्यायवाची है, तो पानी का जो पर्यायवाची शब्द है ना वो नीर शब्द है, तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का सी हो जाएगा। 38 है कि कृत्रिम का विलोम होगा, कृत्रिम हो गया दोस्तों जो खुद से बनाया हुआ है तो उसका उल्टा हो जाएगा प्राकृतिक, तो सही उत्तर यहाँ पे 38 का डी हो जाएगा। 39 देखते हैं कि मोती कौन सा लिंग है, तो मोती जानते होंगे दोस्तों एक तरह से पुलिंग है, तो 39 का ए। 40 देखते हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ, तो अ जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों वो कंठ से बोलते हैं, अ क इस तरह से, तो क से कंठ, अ से भी यहाँ पर उच्चारण स्थान वो कंठ ही होता है, तो अ और क, अ क दोनों एक ही तरह से बोला जा रहा है। 40 का डी। 41 है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा सुंदर जो है ये नहीं है, जवान, बालक, मनुष्य, ये सभी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन सुंदर एक नहीं है। 42 देखते हैं कि इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है दोस्तों इसमें से एक कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 42 का यह, यह, वह, दिस, डैट, ये सब जो है ना उस निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो 42 का डी। 43 देखते हैं कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो अकर्मक क्रिया क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक, फिर बोल रहा है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद, तो अकर्मक क्रिया के भी दो भेद, तो सही उत्तर यहाँ पे 43 का बी। 44 देखते हैं कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। 45 है कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो इनमें से पूछा जा रहा है दोस्तों तो ये हो जाएगा यमुना, यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, और ये सभी जो है आप लोगों का जातिवाचक है ही सब, सही उत्तर यहाँ पे 45 का ए। 46 देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन होता है, तो बहुवचन जो है दोस्तों ये आपका प्राण जो है ये बहुवचन शब्द है। 47 है कि दाल रोटी में कौन सा समास है, तो दाल रोटी में द्वंद्व समास है, दाल रोटी हो गया दोस्तों दिन रात हो गया, ठीक है, माता पिता हो गया, सुबह शाम हो गया, इस तरह से अगर आप लोगों से पूछा जाए डैश लगा के, ये बीच में जो डैश लगा हुआ है ना जैसे माता पिता में ऐसे आप लोगों को पूछा जाता है, जैसे भाई बहन में आप लोगों से ऐसे पूछा जाता है, तो ये आप लोगों का द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है, तो 47 का डी हो जाएगा। 48 देखते हैं दोस्तों कि दशमुख में समास है, तो दशमुख में जो समास है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, दशानन, दशमुख, ठीक है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है, दशमुख मतलब रावण, रावण से संबंधित है ये। 49 है कि न्यून किन वर्गों के मेल से बना है, न्यून, तो न्यून जो बना है ना ई जोर उ के मेल से बना है, तो 49 का ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, इसके बाद हम लोग दो और वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट फटाफट कीजिए, जल्द से जल्द हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। 50 है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशह जोर दा हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 50 का ए। तो हम लोग यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों, जल्द से जल्द वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आप लोग का सब मिलेंगे एग्जाम में, बने रहिए इस चैनल के साथ, और वेबसाइट पर जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।